हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टार्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, और जनरली ये सिनेरियो मैं हर साल देखता हूँ कि एडमिशन सीजन ऑलमोस्ट मई महीने से स्टार्ट हो जाता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त के आखिर में यहाँ पर ये एडमिशन सीजन खत्म होता है, मई से लेके अगस्त तक। यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके 4 महीने इसमें ही निकल गए एडमिशन सीजन के अंदर। तो ये 4 महीने के अंदर स्टूडेंट्स का फोकस यहाँ पर स्टडीज से लेके इतना चेंज हो जाता है ना कि वो डायरेक्टली फोकस नहीं कर पाते स्टडीज के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको आगे की टाइमलाइन बताऊँ ना, तो मान लीजिए कि आपकी कॉलेज अगस्त में फुल स्टार्ट हो गई है, तो अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, हार्डली यहाँ पर जनवरी के अंदर, यहाँ पर अगर मैं निर्मा और DAAACT जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो लोग तो यहाँ पर दिसंबर एंड में ही आपका पहला सेमेस्टर खत्म कर देते हैं। अगर हम GTU की बात करें तो यहाँ पर अगस्त से लेके जनवरी तक आपका यहाँ पर पूरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है। जनवरी में आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा कहने का ये वीडियो से इतना ही मतलब है कि यहाँ पर अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे फोकस वापस लाना है। जैसे आपने कैसे 12th साइंस के अंदर मेहनत करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन फोड़ा है, इसी तरह से अब यहाँ पर आपको कॉलेज की स्टडी स्टार्ट कर देनी है, कॉलेज के अंदर यहाँ पर आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, और यहाँ पर आपको फोकस कर देना है स्टडीज के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कहाँ से बुक परचेस करनी है, थियरी क्या होती है, प्रैक्टिकल क्या होते हैं, क्रेडिट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको स्टार्ट कर देना है, फोकस करना कि ये सब कुछ से होता क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर मेरी ये एक छोटे से वीडियो से यही रिक्वेस्ट होगी कि नाउ स्टार्ट स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडीज। क्योंकि यहाँ पर बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर आपकी गाड़ी है वो पटरी पर वापस आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको मतलब कमेंट सेक्शन मेरा चेंज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह के सवाल होने चाहिए कि इसके अंदर क्या करे, कौन सी बुक करे, प्रैक्टिकल्स कहाँ से पढ़े, IIT का जो प्लेटफॉर्म है NCERT उसमें से कैसे पढ़े, ये सब NPTEL में से किस तरह से पढ़े, ये सब कुछ अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस चेंज हो जाने चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, कुछ भी सवाल है देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।